जब भी मिलेंगे होम्योपैथी लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट नहीं। अरुण सर के साथ हम लोग रात के 11 बजे भी बात करते हैं तो हमारी गुड मॉर्निंग होती है, क्यों सर? हाँ, ये हमारा बरसों से उसूल रहा है। पिछली मीटिंग वाली का केस कंटिन्यू करेंगे या कुछ और करेंगे? ना, अभी वो पिछला अभी नहीं करना है क्योंकि उसको कुछ आगे का देखते हैं। रोजेरा को अभी बाद में उसके लिए स्पेशल एक लेक्चर में ही कुछ ऐड कर देंगे। अभी दो छोटे छोटे एक्यूट केसेस बता रहा हूँ। अभी अभी वैसे केसेस लेना है जो हमारे नए सीखने वालों के लिए इजी हो। हाँ, कठिन रूपरेख नहीं लेने। ठीक ठीक, वैसे ही आज के केसेस ऐसे ही है। हम जैसे गरीबों के काम के हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं शायद ये केस समझ नहीं पाए। ईजी जो बेसिक ही है, तो ज़्यादा हम लोग कभी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं तो ये सब मिस कर देते हैं रूब्रिक्स। सिर्फ वही तो ठीक है। अभी 3 बज चुके हैं और हम बस 5 मिनट रुक जाओ। हाँ, इंडियन टाइम 5 मिनट रुक जाओ, मैक्सिमम ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, 3-5 से करते हैं। ठीक है ठीक है। हारून सर, तब तक 5 मिनट में एक छोटा सा डिस्कशन करना है मुझे। हेलो। हाँ बोलो। तो कई ऐसे रूब्रिक रहते हैं जिनमें ही सी हिम या हर नहीं लिखा रहता। हाँ, जैसे एक रूब्रिक है कि कोई भी एक रूब्रिक है जिसमें ही सी इट ऐसा नहीं लिखा, जैसे कि एंजाइटी आफ्टर, हाँ, डिलीवरी आफ्टर। तो ये हम पेशेंट के लिए लेंगे कि उसके साथ ऐसा हुआ इसके बाद उसके सिकनेस शुरू हुई, या हम थर्ड पर्सन के लिए लेंगे? वो एग्जांपल दीजिए, रूब्रिक दीजिए तो मैं बता सकता हूँ। रूब्रिक है जैसे कि, एक सेकंड में बता रहा हूँ। फर क्या होता है? फर एक गरम कपड़ा समझ लो, गरम मतलब रेशे वाला ऊन टाइप जो होता है ना, उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड, लेकिन एक गरम कपड़ा होता है, यानी गरम ऊन का बनता है ना जी। हेलो। हाँ जी, कवरिंग कर रहे हैं और क्या, पर एक मोटा सा कवरिंग ऊन का जैसे। हाँ, एक स्पेसिफिक कपड़ा होता है, जैसे ऊन का कपड़ा कैसा होता है गरम, इस टाइप का ये होता है जो गर्मी पैदा करने के लिए या गर्मी ठंडी से बचने के लिए यूज होता है। तो अब ये समर है सामने, फर रैप्स अप इन समर, रैप्स यानी बिल्कुल चिपका देता है, रैपिंग करता है ना अपना गिफ्ट को, बिल्कुल चिपका देता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, फर है यानी गर्म कपड़ा है, गर्मी का मौसम है
और सिर्फ कवर नहीं करता, रैप कर लेता है, बिल्कुल चिपका लेता है, यानी गर्मी पे गर्मी। ये क्या चीज़ है? इसका जो हम रूटीन में इसका मीनिंग लेते हैं हम, कि पेशेंट को तकलीफ होती है किसी चीज़ से, फिर भी वो चीज़ कंटिन्यू रखता है। जैसे गर्मी के अंदर गर्म कपड़ा और वो भी रैप करने से कितनी तकलीफ होगी, गर्मी तो होगी, एक तो गर्मी है, ऊपर से और गर्मी पैदा कर और गर्मी आ जाती है। तो ये क्या चीज़ है कि तकलीफ हो रही है लेकिन फिर भी वो चीज़ को कंटिन्यू रखता है? उसका ये लोग जो पेशेंट्स वर्जन देते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ये दवाई चालू है, मेरी ये मैं दर्द के लिए ये गोली लेता हूँ, मैं बीपी की गोली लेता हूँ या ये गोली लेता हूँ, उससे मुझे परेशानी तो होती है, पेट में जलन बहुत होती है, लेकिन क्या करें, लेना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे क्या है कि वो गोली की गर्मी को बर्दाश्त करता है। अब फर क्यों रैप करता है कि गर्मी, उसको भी पता है कि गर्मी और फिर चिपका भी दिया, तो उसको ये है कि भाई ये तकलीफ तो है लेकिन मैं अगर इसको निकाल दूंगा तो मुझे और कोई तकलीफ हो सकती है। तो ये पेशेंट कंटिन्यू रखते हैं गोली, जैसे बीपी की गोली या एसिडिटी की गोली या कोई भी गोली चालू रखते हैं, और हमको जब बताते हैं तब ये वर्जन आता है कि आप ये दवाई मैं ले रहा हूँ इससे मुझे लैट्रिन में जलन होती है। अरे भाई आप क्यों चालू रखते हो, जब जलन होती है तो बंद करो ना। तो नहीं, इसको बंद करेंगे तो फिर मुझे वापस एसिडिटी शुरू हो जाएगी, तो वो ना हो इसलिए मैं लेता हूँ, वो बर्दाश्त करना, ये लेनी तो पड़ेगी, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी की गोली लेनी तो पड़ेगी, पेट में दर्द होता है उससे लेनी तो पड़ेगी। तो ये है फॉर रेप्स ऑफ इन समर, कि गर्मी है अंदर, गोली भी गर्मी कर रही है और उसको परेशानी भी है और लैट्रिन में जलन भी हो रही है, लेकिन वो रेप किए जाता है। क्यों? कि उसको डर है कि कहीं उल में से चूल में न गिर जाए, जिन को निकालते हुए कोई भूत न घुस जाए। बढ़िया भाई, थैंक यू। तो हम लोग मीटिंग स्टार्ट करें? जो हुकुम हुकुम सब लोग हुकुम दें, सारे मेंबर्स बोले। तो सबसे रिक्वेस्ट yes, प्लीज अपने माइक yes, और कैमरे ऑफ रखिएगा तो हमारी रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं जाएगी। थोड़ा सा एक मिनट और समय दे दें सर। बोले सर, मैं उनका एक केस पढ़ रहा था, लेट श्री मोहंती जी का, कितना साल का, तो उसमें लिखा था कि ये लड़की थी बहुत शोर में, अपना दरवाजे वगैरह बंद कर लेती थी, तो कई रिब्रिक दिए थे, क्लियर था, मगर हमको लगता है इसी से रिलेटेड दिखा वो रिब्रिक और रहते हैं सुबह, हमें समझ नहीं आया। सर हमने MRSG ग्रुप में इसका पूरा डिस्कशन किया हुआ है और मैं उसका ऑडियो भेज दूंगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक, हाँ सर, तो ठीक है। अभी ये सिंपल केसेस है, बिल्कुल हम जैसे सिंपल लोगों के लेवल का है, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग शायद बहुत कुछ मिस कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, सुनते ही समझ में आ जाए ऐसा केस है। एक्यूट केस है, सर्दी खांसी वगैरह का, तो पेशेंट ने आके बताया कि डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर्दी हो गई है, नज़ला हो गया है और कुछ मूड नहीं बन रहा, काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, मैं तो भी फिर भी काम तो करता हूँ, मन नहीं कर रहा है, काम तो करता हूँ लेकिन जी तो ऐसा करता है कि बस लेटा रहूँ, लेकिन अभी काम है इसलिए काम करता हूँ, लेकिन क्या करता हूँ कि मैंने बोला कि मन नहीं कर रहा, बीमार हो काम भी करते हो, बोले मतलब कि कंटिन्यूस नहीं कर पाता मैं, काम करता हूँ फिर ऐसा थकन सी या कमजोरी सी ऐसी आती है, फिर थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ,
और फिर मैं थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर मैं वापस काम पे लग जाता हूँ। जैसे जी तो ऐसा ही कर रहा है कि पढ़ा ही रहूँ, बिस्तर में बस लेटा रहूँ, ऐसा मन करता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब लेटा रहता हूँ तो। लेकिन मैं थोड़ी देर जो है काम से छुट्टी ले लेता हूँ और फिर वापस थोड़ा अच्छा लगता है तो फिर मैं वापस काम शुरू कर देता हूँ। पेशेंट को सर्दी नज़ला बहुत ज़्यादा था, सर्दी ज़ुकाम, तो बस इतना छोटा सा केस था एक्यूट, और उसको दवाई देते ही कुछ ही घंटों में उसकी ये तकलीफ दूर होना शुरू हो गई और फिर दूसरे दिन वो बिल्कुल अच्छा हो गया। मेंबर्स से उनके इनपुट लेना है ना? हाँ बताइए सब कोई। स्वाति जी सेपिया किस बेस पे, आप साथ में रूब्रिक भी लिखेंगे ना तो जरा अच्छा रहेगा, हमको कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि ये सेशन सिर्फ सिखाने के लिए नहीं होते, हम लोग भी सेल्फिश लोग हैं, हमको भी कुछ नया सीखना ज़रूरी होता है और सीखने के लिए हमारी तमन्नाएं भी रहती है। इंडस्ट्रियस सोनाली जी ने लिया है, इंडस्ट्रियस क्यों लिया? अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस, ये बड़ा अच्छा रूब्रिक है, लेकिन यही समझाना है कि यहाँ क्यों अप्लाई नहीं होता। अंडरटेकिंग थिंग्स में क्या होता है कि वो चीज़ें करता है जो उसके उसका दिल नहीं चाहता, उसका इरादा ही नहीं है करने का। यहाँ पे क्या काम करने का मूड नहीं बनता, लेकिन करता है, करना पड़ता है, मजबूरी है, करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, न चाहते हुए भी कहिए खुद करता ही है। इंडस्ट्रियस तो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ इस केस के, यहाँ तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा लेकिन वो करता है, रुक रुक के करता है। तो ये जो है इंडस्ट्रियस तो क्या है कि मैनिया फॉर वर्क, उसको काम करने का मज़ा आता है, किसी भी तरीके से काम निमटा लेता है। बिजनेस इनकैपेसिटी में ऐसा होता है कि बिजनेस करने की बिल्कुल ताकत ही नहीं है, करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, काम तो करने का मन करता है, काम करने का इरादा भी करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है मुझसे, ये बिजनेस इनकैपेसिटी है। लेजीनेस अल्टरनेटिंग विद डिज़ायर टू वर्क, ऐसा नहीं है, वो काम करता है, अपना थोड़ा सा आराम कर लेता है फिर वापस काम पे लग जाता है। रेस्ट डिज़ायर फॉर, सही रूब्रिक है। बेड डिज़ायर बिजनेस एवज एंड रेस्ट डिज़ायर, कौन सा रेमेडी आता है योगेश जी? बेड एंग्जाइटी बिजनेस, एंग्जाइटी नहीं है यार, काम पड़ा हुआ है, करना पड़ेगा ना, काम इतना रहता है और काम कौन करेगा, ये सब जो होता है वो एंग्जाइटी होती है, यहाँ एंग्जाइटी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशन या एक्शन भी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है कि इसके इरादे कुछ और है और करता कुछ और है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशन एंड एक्शन है कि वो करता कुछ है और उसके दिल में कुछ और है। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि एक बहू की एक सास खत्म हो गई, बहू के मन में आ रहा था कि अच्छी मर गई है, कहां से कहां मुझे इतनी परेशान करती थी, बहुत अच्छा, बिल्कुल मैं तो नाच लूं गा लूं,
लेकिन समाज के कारण वो सबके सामने रोने का नाटक कर रही थी। ये था उसका रूब्रिक। इंटेंशन कुछ और है और कुछ और रही है। अभी और कोई आगे डोमेस्टिक अफेयर तो यहाँ हुआ ही नहीं। डोमेस्टिक तो घरेलू, घरेलू जो होता है ना, घरेलू कामकाज, उसको डोमेस्टिक कहते हैं। बच्चों को स्कूल रखने के लिए जाना, बीवी के लिए ये लाना, 5 रुपए की धनिया ले आना, 10 रुपए के नींबू लाना, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, ये सब डोमेस्टिक अफेयर्स है। रिश्तेदारों का हॉस्पिटलिटी करना। लाइट डिजायर फॉर सोनाली जी क्यों लिया आपने? ठीक है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। नहीं, काम का लोड नहीं लेता ऐसा क्यों आपको लगा? यहाँ पे कहाँ ऐसा उसने बोला? चलो ठीक है, अभी करते हैं एनालिसिस। ये सिंपल केस है, बेसिक केस है, और खासकर एक्यूट केसेस में इस टाइप के ही केसेस आते हैं। अच्छा नहीं लग रहा, बीमार हूँ, नज़ला हो गया है, ये सब जो है योगेश जी। एल्यूमिना कहाँ से एल्यूमिना आएगी यार? तो ये जो है डिल्यूजन सिक है। दूसरा रूब्रिक आराम रेस्ट डिजायर फॉर है, कि काम करते करते थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ तो थोड़ा वापस मतलब अच्छा लगता है। अच्छा लगने के बाद मैं फिर वापस काम में लग जाता हूँ। रेस्ट डिजायर हम जब लेते हैं, जब आदमी काम करना चाहता है लेकिन वो थक जाता है, तो थोड़ा आराम करके वापस थोड़ी एनर्जी कलेक्ट करके वापस अपने काम पे लग जाएं, ये रेस्ट डिजायर है। काम करने का मन नहीं कर रहा तो मन क्या कहते हैं? तो बिजनेस एवर्जन है। काम करने का मन, क्या करने को मन नहीं कर रहा तो बिजनेस करने को मन नहीं कर, तो क्या करने को मन करता है? भले वो करता नहीं करता बात अलग है, लेकिन करने को मन क्या करता है? तो पड़ा रहूँ, लेटा रहूँ बिस्तर पे, तो बेड रिमेन इन डिज़ायर। ये चार रूब्रिक्स को हम लेते हैं तो लाइकोपोडियम आती है, और पेशेंट को लाइकोपोडियम 200 दिया गया पानी में मिलाकर, वाटर डोज फ्रिक्वेंटली लेने को। एक्यूट केसेस में हम एवरी 10 मिनट्स, 15 मिनट, 30 मिनट्स फ्रिक्वेंटली, जब तक अच्छा ना लगे तब तक लेने को मैं बोलता हूँ। जैसे ही इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाए तो ड्यूरेशन बढ़ा देना है अपने आप ही, इतनी इंस्ट्रक्शन मैं पेशेंट को दे देता हूँ। तो ये लाइको था। अब यहाँ हम लाइको की टिमिडिटी, लाइको का हार्ड इंफीरियर सॉफ्ट सुपीरियर, और लाइको ऐसा होना चाहिए, ये लाइको आएगा तो ये बोलने में हिचकिचाहट, ये सब ऐसे केस में हमें नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो लाइको की इमेज बनाई गई है या किसी भी मेडिसिन की इमेज जो बनाई गई है वो हूबहू हमारे सामने हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं मेडिसिन के, जिसमें लाइको अगर अपने टिमिडिटी के लिए या अपने पावर लव के लिए पहचाना जाता हो, या अपने एयर कमांड के लिए पहचाना जाता हो, लेकिन वो चीज़ें ही ना हो पेशेंट के अंदर, ये मुमकिन है। ये पूरा मुमकिन है कि पावर लव ऑफ ना हो, हार्ड फॉर इंफीरियर सॉफ्ट फॉर सुपीरियर ना हो, कि हमारे सामने आके बोले जो वो है ना रूब्रिक
जो किंग पिन रूब्रिक भी कह सकते हैं उसको, वो लाफिंग लुक डेट वैन जो, और मैं अभी बताता हूँ अगर याद रहा तो लाइको का एक अच्छा सा केस। तो उसमें क्या होता है कि हमको स्पेसिफिक पता चल जाता है कि ये लाइको का ही, लाइको की ही सिफत है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जो मेन मेन जो सिफत जो हमें हमने सीखी है वो सारे गुण हो ही। जैसे बोलेगा ये बताएगा कि यार डॉक्टर साहब जल्दी मेरे को दवा दे दो और ये आप मुझे ये जल्दी क्लियर कर दो, और फिर हम जब उसे उसके सामने थोड़ा सा उससे आँखों से या अपने ज़ुबान से थोड़ा सा ऊँची हायर लेवल पे जाएंगे कि हम तेरे बाप के नौकर नहीं है, इस टाइप का एटीट्यूड बताएंगे तो इस टाइप ये लाफिंग जॉयलेस है, लाफिंग लुक डेट मैन है, तो ये लाफिंग लुक डेट मैन है तो ये भी लाइको होता है। लेकिन ऐसा हर जगह हर वक्त मिलना ज़रूरी नहीं है, और एक्यूट केसेस में तो खास ये नहीं आता है कि आदमी फीवर लेके आया, कफ लेके आया, नज़ला लेके आया, तो वो उसका प्रेजेंटेशन उसी टाइप का होगा। ज़रूरी नहीं कि लाइको की जो मेन बेसिक थिंग्स है वो उसके अंदर उस टाइम पे हो। तो ये हाँ एक जो मेरा केस में बात आगे भी मैंने शेयर किया हो ये केस MRSD में, एक बजे का टाइम था, मैं मस्जिद तक पहुंच चुका था नमाज के लिए और पेशेंट की रिंग बजी। पेशेंट ने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब कहाँ पर हो, ये मेरा टोन सुनिए। मैंने बोला मैं नमाज़ पढ़ने आया हूँ। कितनी देर लगेगी आपको? मैंने बोला अभी 15-20 मिनट तो लगेगा ही, या ज़रा जल्दी आना, हम क्लिनिक पे बैठे हैं। मैंने बोला फिर मैं ज़रा थोड़ा इरिटेट हुआ, मैंने बोला देखो मुझे 15-20 मिनट लगेगी, आपको अगर बैठना है तो बैठिए, कोई काम हो तो आप चले जाइए। ये जैसे ही मेरा टोन सुनना था कि उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप आइए मैं बैठा हूँ। अब यहाँ मुझे पक्का हो गया था ये लाफिंग लुक डेट वैन, ये मैंने उस पर लुक किया, जैसे होता है ना कोई, जैसे हम ऐसे बैठे हैं और कोई हमें बहुत बदतमीजी से पुकारता है या कोई बच्चा मस्ती करता है और हम देखते हैं ना ये क्या हुआ कि मैं थोड़ा गर्म हुआ हूँ, मैं थोड़ा गुस्सा हुआ हूँ, भले जुबान से नहीं बोला लेकिन ऐसे क्या है तेरे को, क्या है भाई, इस टाइप का जो हमारा लुक होता है ना भाई, क्या है, क्या तेरे को, क्या है प्रॉब्लम, क्या है तेरे को, इस टाइप का जो हमारा लुक होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम ये लुक ही करें या जुबान से ही बोले। तो ये लुक जब करते हैं हम इस टाइप के एटीट्यूड पर तो वो हंसने लगते हैं, कोई ऐसा नहीं है, अरे यार ये जॉयलेस भी होता है, लाफिंग जॉयलेस। तो मैंने उसको ऐसा बोलना था तो बोला बैठते हैं, तब मुझे कन्फर्म हो गया कि लाइको है। अब इंटरेस्टिंग बात है, मैं नमाज पढ़ के रिटर्न हो रहा था तब मेरे दिमाग में यही बात थी, चलो मिलते हैं आज मिस्टर लाइको से और क्या क्या लाइको का लेके आया। लाइको तो पक्का हो गया था, कन्फर्म हो गया था मुझे। जब मैं क्लिनिक में गया, उसे चैम्बर में बुलाया, फिर उसे बातचीत में, मुझे लाइको पता था कि लाइको ये कन्फर्म। मैं बैठा ऐसे, बोलिए क्या है, हाँ तब भी हंसता था, डॉक्टर साहब मुझे ये है ना एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स मुझे अभी याद नहीं है क्या प्रॉब्लम थी, तो ये चीज़ें हैं, और आपकी दवा लेता है ना तो पॉसिबल ही नहीं है कि बीमारी ना मिटे, आपकी दवाई से हम सबको अच्छा हो जाता है, आपकी दवाई ली यानी समझो कि बीमारी गायब। मैंने बोला हाँ कर ले, फ्लैटर कर ले तू, मैं लाइको होता तो मैं उसे मुफ्त में दवा दे देता, लाइको का होता है ना वो तेजाब फिल्म का मस्ताना कपूर ने रोल किया है, तो वो अपनी नौकर होता है चाय की लारी पे, हो या तेरी आवाज़ क्या यार, अरे चाय ला जल्दी,
तो सेठ बोला तेरे पगार में से कटेगा। अरे काटने तो तनख्वाह में से कटवाता है और दे देता है। तो ये लायकों, अगर हम अगर लायकों के स्टेज में होते ना तो कोई कोई कुछ नहीं होता। ये एल्यूमिना है, ये सेपिया है, ये लायकों, ऐसा कोई परमानेंटली कुछ नहीं होता, वरना आधार कार्ड बन जाता कि भाई ये लायकों है, परमानेंटली लायकों ही है, और इसको जब भी कुछ भी हो लायकों दे दो। इंटरनेशनल आधार कार्ड हम बना देते तो कहीं पे भी कोई भी होम्योपैथी के पास लेके जाता और वो लायकों लेके आ जाता, या अपना बीमारी ठीक कर लेता अपनी जो मेडिसिन ली। स्टेज होते हैं, आदमी लायकों के स्टेज में होता है, सिपे के स्टेज में होता है, पल्सा के स्टेज में होता है, किसी भी बीमारी के स्टेज में होता है। परमानेंटली वो एक मेडिसिन में रह ही नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। हमारी सोच बचपन में थी, वो आज नहीं। एक साल पहले हम किसी चीज़ के बारे में हम कुछ सोच रहे थे, या कुछ हमारा अभिगम कुछ और था, वो आज नहीं है। आज हमारा अभिगम हो सकता है बदल चुका हो। तो ठीक इसी तरीके से आदमी कभी भी एक स्टेज में नहीं रहता। तो इसलिए वो गुलजार साहब की गजल ना, वक्त रुकता नहीं कहीं टिक कर, उसकी आदत भी आदमी सी है। आदमी भी किसी एक स्टेज में टिक के नहीं रहता। तो फ्लैटरिंग करना शुरू कर दिया, पक्का लायक होता दे दिया और क्योर भी हो गया। तो इस टाइप का प्रेजेंटेशन जो होता है तब तो फिक्स लायक हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस टाइप का प्रेजेंटेशन हर दम आएगा। कई बार ऐसा लगता है कि लायकों का एक भी उसके अंदर क्रक्स नहीं है, कि ना उसके अंदर टिमिडिटी है, ना उसका लाफिंग है, ना उसका स्माइलिंग है, ना उसकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ना उसका डिक्टेटोरियल है, ना उसका हार्ड फॉर इंफीरियर सॉफ्ट फॉर सुपीरियर है, ना उसका कोई पावर लविंग एटीट्यूड है, लेकिन वो लायक है। क्यों? तो उसके जो वर्जन्स आते हैं उसको हम रेपर्टराइज करते हैं और वो उस स्टेज में से निकल, एक एक्यूट स्टेज में होता है जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होती है। और फिर हम अगर वो सोचेंगे कि यार ऐसा तो दिखा नहीं, ऐसा तो दिखा नहीं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और मेडिसिन को मिक्स कर देंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये हम जैसे गरीबों वाला केस है, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग शायद मिस कर जाओ ऐसे केसेस। तो ये था लायको। और एनी क्वेरी दूसरे केस पे जाए उससे पहले? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? पूछना चाहता है कोई या दूसरा केस पे प्रोसीड करें? आगे बढ़िए भाई। हाँ जी, चलो अभी ये भी एक बहुत ही सिंपल केस है, बहुत ही सिंपल केस। ये भी इंटेलिजेंट लोगों का केस नहीं है। वैसे एक रूब्रिक बड़ा प्यारा है, बहुत ही प्यारा रूब्रिक है। एक डायबिटिक पेशेंट, वीक वायरल इन्फेक्शन हो गया, सिम्टम्स थे बिल्कुल वीकनेस। अब सर्दी, कॉमन कोल्ड था, एक सामान्य जुकाम जिसको कहते हैं, एक आम सा नज़ला जो आए दिन हम सबको होता रहता है, ऐसा नज़ला था थोड़ा सा। और शुगर लेवल थोड़ा था, शुगर लेवल तो अनकंट्रोलेबल रहता था उसका, मतलब वो इतना मेडिसिन में रेगुलर था या नहीं पता नहीं। और बिल्कुल ऐसे शुगर लेवल हाई था, बस ऐसे ही बैठे। क्या हो रहा है? सर्दी कमजोरी सा है यार, यहाँ होता है दुखता है। और सब डायबिटीज़ के सिम्टम्स थे, जो शुगर लेवल हाई होता है तो फिर पैर में ड्रॉइंग पेन होना और क्रैम्प्स आना, वीकनेस का आना, ये सब। लेकिन डलनेस मार्क थी, मतलब
अच्छा नहीं लगा सर, बस कुछ ज़्यादा बताना भी नहीं। घर वाले बोले कि यार ये ऐसा है ना कि इनको कहीं बाहर बोलते हैं तब जाके दवाई लेने को तैयार होते हैं, नहीं चलेगा चलेगा। कितनी बार समझाया, कितनी बार बोला, ये सुन लीजिए हाँ, ये मेन है इस केस का। कई बार बोलते हैं तब जाके दवाई खाने को तैयार होते हैं, दवाई लेने को तैयार होते हैं, आपके पास आने को तैयार होते हैं, डॉक्टर से दवाई लाने को तैयार होते हैं। हेलो जी, सुधाकर सर प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ भाई कंटिन्यू। कई बार इनको समझाते हैं चलो दवाई, ये कॉमन वर्जन है कि दवा खाने ले चले, डॉक्टर को बुलाए, दवाई खाए, तैयार ही नहीं होता। हर बार उनके सामने बस हाथ पैर जोड़ो घर वाले जी के, तब जाके मुश्किल से फिर दवा खाने के लिए आपके पास आने के लिए तैयार हुए हैं। मैंने बोला क्या हो रहा था, बोले वीकनेस कमजोरी। मैंने कैसी कमजोरी, कब से है? तो बोले नज़ला हुआ है ना फिर कमजोरी, कब से है लेकिन कैसी है, तीन चार दिन से है लेकिन सब उठ नहीं पाता हूँ मैं। से हिम्मत करी उठने की, मुंह धोने के लिए, लेकिन फिर मैं आके बैठ गया, जैसे है ही नहीं कुछ। इस टाइप का प्रेजेंटेशन था और मेडिसिन दिया। एक दो घंटे के बाद थोड़ा एनर्जेटिक फील होना शुरू हुआ और दूसरे दिन वो आउटडोर थोड़ा स्टार्ट किया जाना, जो खड़े नहीं हो पाते थे। प्रिवोलुअस भी एक अच्छा रूब्रिक है लेकिन इस केस में ये नहीं लिया गया क्योंकि इस केस में ये दूसरा रूब्रिक था। यहाँ पे प्रिवोलुअस में क्या होता है कि वो बीमारी पे ध्यान, वो ये समझता है कि इतना तो होता है। प्रिवोलुअस का जो मेन क्रक्स है ना, इस रूब्रिक का मेन क्रक्स समझ लीजिए कि इतना तो होता है यार, इतना तो चलता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, हम जनरली सीखे। लेकिन उसका जो मेन क्रक्स, जो पेशेंट का बेसिक फीलिंग होता है ना प्रिवोलुअस का, वो ये है कि इतना तो चलता है ना यार, इतना तो होता है ना। रिफ्यूज़ टू टेक मेडिसिन में ये होता है कि मेडिसिन दी जाए तो वो मना करता है कि मुझे नहीं खानी है, रिफ्यूज़ कर देता है, या कोई भी उसको एज ए मेडिसिन उसको प्यार मोहब्बत दिया जाए, एज ए मेडिसिन उसको किसी से काउंसलिंग करा जाए, तो यार नहीं रहने दो ना यार, नहीं चाहिए, ये रिफ्यूज़ है। अभी प्राइवेट मैसेजेस में देखते हैं क्या क्या है। इंडिफरेंस नहीं है, इंडिफरेंस में तो उसको पढ़ी नहीं होती, यहाँ पे तो पेशेंट लो एनर्जी है और बिल्कुल जैसे कुछ समझ में ना आ रहा हो इस टाइप का है। रिबेल्स अगेंस्ट वोल्टाइस, अच्छा एक बहुत ही बढ़िया रूब्रिक है, उसका भी केस मैंने प्रेजेंट किया था, लेकिन रिबेल्स अगेंस्ट वोल्टाइस की तो मैंने पूरी गज़ल सुनाई थी। वो ये है कि कोई जब स्मूदिंग करता है, उसको वार्म देता है, तो ये नहीं चाहिए। इतना गुलाम अली साहब की गज़ल है ना, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, अब अगर दुआ दोगे तो मैं मर जाऊँगा। भाई साहब मत दुआ दीजिए, बहुत टूट चुका हूँ, मत दुआ दीजिए, नहीं चाहिए तुम्हारी दुआएं। ये है रिबेल्स अगेंस्ट वोल्टाइस, नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, नहीं चाहिए तुम्हारा सर पे हाथ घुमाना, रहने दीजिए मुझे। डलनेस माइंड तो है, बहुत बड़ा अम्ब्रेला रूब्रिक है वो तो। जलसेमियम, लेकिन कैसे डलनेस हीट ड्यूरिंग, यहाँ पे हीट तो था नहीं। कोराइजा ड्यूरिंग, कोराइजा अकेला नहीं था, साथ में डायबिटीज भी है।
कैरी डिजायर ओवर शोल्डर भी नहीं है। कैरी डिजायर ओवर शोल्डर में तो ऐसा डॉक्टर साहब ये मेरी तबीयत है, अब तुमको सौंपा, अब तुम करो, बस तुम्हारे करने का है, जो भी करना है तुमको करना है। हीडलेस भी बड़ा रूब्रिक है। वाह, बिग हैंड टू डॉक्टर समर्पण राज। स्टफिफेक्शन राउजेस विद डिफिकल्टी, डॉक्टर श्यामल किशोर सर की बुक में बहुत ही बढ़िया समझाया हुआ रूब्रिक है ये, मैंने बहुत ही बार अप्लाई किया। पेशेंट को कई बार बोलते हैं कि चलो दवा खाने, नहीं यार। अब मैं आदमी इरिटेट हो जाता है कि क्या यार हर बार हाथ जोड़ना यार, यानी वो बेहोशी के जैसे स्टफ इफेक्शन के बिल्कुल जैसे होश नहीं इस टाइप का आलम होता है, बहुत उठाया जाता है, झंझोड़ा जाता है, बहुत झंझोड़ने के बाद उठता है। इसी तरीके से जब वो इस टाइप के स्टफ इफेक्शन के स्टेज में होता है, नहीं रहने दो, नहीं जाना दवाखाना, नहीं, बहुत मिन्नत करने के बाद फिर वो दवाखाने आने को तैयार होता है। इन डिफरेंट डिजायर नो एक्शन ऑफ द विल हैज नो, यहाँ पे क्या डिजायर एक्शन कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ कोई बाखुदा कोई तमन्ना ही नहीं रही, फिर भी क्या बात है कि ये दिल कहीं लगता ही नहीं, तो वो तमन्ना ही नहीं रहती, इच्छा ही नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं उसका, डिजायर की तो बात कहाँ, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, इतना वीक है। टॉर्पर ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन इससे भी बेहतरीन रूब्रिक है जब हमको एप्ट रूब्रिक मिल जाता है ना, बहुत ही अच्छा, तो हमें फिर दूसरे बड़े बड़े रूब्रिक्स में नहीं जाना चाहिए, जब हमको एप्ट रूब्रिक मिल जाता है तो। अब देखिए श्वेता मालू है इस बार डजेंट ही गो टू डॉक्टर, हाँ ये स्टफिफाइड है यार, उसको कुछ समझ में नहीं आया, नहीं, और झंझोड़ने के बाद भी वो मानता नहीं है, तो झंझोड़ने के बाद भी कई बार उसको मिलना था कि समझ आते कि झंझोड़ा, तब जाके ये माना और फिर चल दिया दवा खाने। अब जैसे समर्पण जी ने बहुत ही अच्छा रूब्रिक बताया, स्टफिफेक्शन राउजेस विथ डिफिकल्टी, जिसको मैं भी समझा चुका। दूसरा जो डायरेक्ट रूब्रिक लिया डलनेस डायबिटीज इन, शुगर लेवल बढ़ा हुआ था इसलिए डायबिटीज को कंसीडर किया गया है यहाँ पे, डलनेस डायबिटीज इन, बाकी अकेला कोराइजा में इतना डलनेस नहीं होता, इतना वीकनेस नहीं होता है। अब तीसरा रूब्रिक, अब यहाँ पे दो रेमेडी हमारे सामने आती है, सल्फ्यूरिक एसिड और ओपियम। अब तीसरा रूब्रिक जो है बहुत ही बढ़िया और कहीं केसेस में हमको देखने मिलेगा, जो खासकर छोटी छोटी बात में इतना वीक हो जाते हैं, इतना वीक हो जाते हैं कि हम खुद सोचेंगे कि सर ये बीमारी तो ऐसी कोई है नहीं, और इतनी ज़्यादा वीकनेस, आदमी को फीवर आएगा तो वीकनेस तो आएगी, तो फिर उठना चलना बैठना थोड़ा सा वीकनेस दिखाई देगी, लेकिन एकदम से वीकनेस के उठ के खड़ा भी ना हो पाए, तो ये जब से डायबिटीज़ तो था और साथ उसमें जुकाम हुआ, तो कहीं अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स के अंदर ये रूब्रिक्स देखे जाते हैं कि ज़रा सा भी कुछ वायरल हुआ या कोई भी बीमारी हुई तो उनको वीकनेस हद से ज़्यादा आ जाती है। तो जब हद से ज़्यादा, यानी बीमारी, इस बीमारी में जिस बीमारी से ये पेशेंट पीड़ित है, उस बीमारी की वीकनेस कितनी होनी चाहिए और कितनी होती है वो हमको मालूम होता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन उसके सामने बहुत ही ज़्यादा, यानी नज़ले में वीकनेस तो होती है लेकिन इतनी वीकनेस तो यार नहीं हो सकती जो हमारा दिल क्या उठता है,
कि बुखार में वीकनेस तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा वीकनेस तो नहीं होती। तो ये रूब्रिक बहुत ही बढ़िया है, हर रेपर्टरी में है, फाटक से लेकर सिंथेसिस तक। जनरलिटीज़ में है रूब्रिक, जनरल वीकनेस एक्यूट डिसीजेस ड्यूरिंग प्रपोर्शन बट आउट ऑफ। अब इसको सीधे से पढ़ते हैं, जनरल वीकनेस ड्यूरिंग एक्यूट डिसीज बट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ये रूब्रिक क्या कहता है कि एक्यूट डिसीज में वीकनेस का आ जाना लेकिन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी उसकी जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, उससे उसके दायरे से बाहर की वीकनेस है। तो ये तीन रूब्रिक जब मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड आता है, और सल्फ्यूरिक एसिड देने के बाद उसको एनर्जी रिकवर होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो मेन रूब्रिक, दोनों ऐसे तीनों रूब्रिक बहुत ही अच्छे याद रखने जैसे हैं। डायबिटीज़ में जब डलनेस आ जाए, यानी शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो और उसकी वजह से दिमाग पे डलनेस साइज हो जाती है, जब शुगर लेवल बढ़ता है ना तो कई पेशेंट्स को एक दिमाग काम नहीं करता, डल रहता है, डिप्रेशन रहता है, तब ये रूब्रिक अप्लाई किया जाता है, जिसमें चार ही रेमेडीज़ है। और स्टेपिफेक्शन राउजेस विथ डिफ़िकल्टी, ये बहुत ही बड़ा रूब्रिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूब्रिक है और कई बार हमने अप्लाई किया हुआ है। अभी कोई आज दोनों केस के चार्ट हम लोग डाल देंगे ग्रुप में, तो परेशान मत होइए रूब्रिक के लिए। दिख रहा है चार्ट, थोड़ा फोकस कर दीजिए। नहीं वो दिख रहा है, ग्रुप में डाल दीजिएगा, मत परेशान। ठीक है। कोई क्वेश्चन केस के लिए हो तो बोलिए जी। हाँ, किसी को क्वेश्चन हो तो बताइए। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही काम के कुछ उसके वन लाइनर रूब्रिक्स भी बहुत अच्छे हैं। अभी मुझे रूब्रिक्स मैंने कौन से पर्टिकुलर में से लिए थे मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पेशेंट का मुझे अभी अचानक याद आया कि उसको पेन था पैरों में, यानी वो ऐसा पेन था कि रात को नींद में पेन होता था सीवियर, और फिर वो उठ जाता था जैसे उठा पेन गायब। तो मैंने एक रूब्रिक लिया था, मुझे अभी याद नहीं, उसका केस ओपन करना पड़ेगा, बहुत टाइम, ये 3-4 साल पहले की बात है। तो उसमें सिंगल सल्फ्यूरिक एसिड था और उसको सल्फ्यूरिक एसिड देने के बाद से उसका ये तकलीफ हमेशा के लिए गायब हो गया। तो ये बड़े काम की चीज़ है। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेन है ना, वो हरीडनेस, उतावलापन, हर बात में उतावला, हर बात में जल्दबाजी, हर बात में इम्पेशंस, और हर चीज़ उसकी जो उसका मेन ढांचा है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो ये है कि हर चीज़ उसकी जल्दबाजी ही जल्दबाजी यानी उसका दूसरा नाम, सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम जल्दबाजी अगर हम रख लें तो कोई ज़्यादती नहीं होगी। हर बात में जल्दबाजी, खाने में जल्दबाजी, पीने में जल्दबाजी, लिखने बोलने में जल्दबाजी, ये इसका मेन गुण है। अब ये मत सोचिए कि ये होगा ही हर एक पेशेंट, लेकिन ये अगर है तो समझो सल्फ्यूरिक एसिड है। इवन ये अंदर से भी जल्दबाजी, यानी एक्शन बाहर का तो उसका जल्दबाजी दिखाई देगी, लेकिन अंदर से भी वो परेशान होता है और यानी उसको बौखला जाता है कि अब इतना काम पड़ा, जल्दी करना है मुझे,
और टाइम नहीं बचेगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा और बस काम पूरा करने की टेंशन में रहती है। जब तक काम यह पूरा नहीं होता तब तक ये मतलब लगा रहता है, लगा रहता, इतना सुकून नहीं मिलता उसको। जब तक जल्दबाजी में ही रहता है, हर वक्त जल्दबाजी, जब तक वो काम पूरा नहीं कर लेगा या उसका जो भी टास्क है पूरा नहीं करेगा तब तक उसको मतलब ये बस टेंशन 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 कहता है, उसको टेंशन रहता है, रेस्टलेसनेस नहीं टेंशन। और इसकी वजह से वो क्या है कि एक साथ दो तीन चीज़ें इधर, एक साथ दो चार चीज़ें करने की कोशिश करेगा। जैसे औरतें होती हैं ना, चार चूल्हे वाला गैस होता है तो कभी मेहमान आए तो सब्जी भी पकानी है, ये पनीर वाली पकानी है, चिकन वाली पकानी है, ये करना है, तो वो सारी उसकी तो चाहत ही होती है कि मैं एक साथ सारा सारा मैं करूँ, एक साथ मैं सारी चीज़ें कर लूँ। और उसमें फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि दिमाग तो एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है, तो ये एक बिल्कुल फिर ऑकवर्ड बन जाती है, आदमी बिल्कुल अजीब सा उसका हाल हो जाता है उस उतावलेपन में। और ये जनरली अक्सर ऐसा फील किया गया है कि जब उतावलापन ज़्यादा जल्दबाजी करता है तो लेट ही हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न 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 जल्दबाजी से। और सॉरी क्वेश्चन था, हाँ जी, ये वीकनेस वाला जो रूब्रिक्स है इसको हम डिल्यूजन प्रोस्ट्रेशन कैन नॉट एंड्योर सच से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, डिल्यूजन प्रोस्ट्रेशन कैन नॉट एंड्योर सच अटर। हाँ, यानी इसमें तो क्या उसको खुद को लगता है डिल्यूजन, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव रूब्रिक है, ये जो वीकनेस जो उसकी है वो पेशेंट ये वर्जन नहीं देता है कि इतनी वीकनेस है कि जो मेरी बीमारी है उससे कहीं ज़्यादा वीकनेस है, इस बीमारी में जो होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वीकनेस, ऐसा बताता नहीं है पेशेंट। यहाँ तो ये है कि ऑब्जेक्टिव रूब्रिक है कि हमें ऑब्जर्व करना है, हमें कैलकुलेट करना है और हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे काम लगता है। ये रूब्रिक नया कोई भी फिजिशियन जिसको टोटली एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये रूब्रिक उठा ही नहीं सकता, क्योंकि ये कुछ बीमारियों में कितनी वीकनेस होती है वो कुछ एक्सपीरियंस से पता चलता है, या खुद बीमार हुआ हो या फिर अपने आसपास वालों को देखा हो या फिर ऐसे पेशेंट्स देखे हो, तो फिर ये अप्लाई कर सकता है। तो उसको पता होता है, पता होना चाहिए कि भाई इस बीमारी में इतनी हद तक वीकनेस होनी चाहिए और ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, ये हमें कैलकुलेट करना है और फिर ये रूब्रिक बनता है। पेशेंट कुछ भी नहीं बताएगा कि सर्दी के हिसाब से मेरी जो वीकनेस है वो कहीं ज़्यादा है, ऐसा नहीं बताएगा। और ये जो यहाँ पे प्रोस्ट्रेशन कैन नॉट एंड्योर सच अटर प्रोस्ट्रेशन, यानी इतना प्रोस्ट्रेशन यानी एकदम से ख़त्म हो जाने वाली बात, थक इतनी यानी थकन या इतना कमजोरी, ये इतना टूट पड़ना, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता साहब, डॉक्टर साहब मैं ये हाल नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो इस टाइप का वर्जन होता है उसका। थैंक यू सर। उससे नहीं होता है बर्दाश्त इस टाइप का। ठीक है, तो अब आई थिंक सेशन को एंड करने का टाइम आ रहा है। अभी किसी को कोई सवाल? कोविड में ऐसी वीकनेस देखने को मिलती थी लेकिन ये कोविड का सिम्टोम ही था, कोविड का कॉमन सिम्टोम था क्योंकि वायरस ही इतना ताकतवर था और कोविड हमारे लिए नया डिसीज़ था, तो उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोपोर्शन हमने कब माप लिया है, जब हमने पढ़ा है, देखा है, लिखा है, तब हम माप सकें भाई कोराइजा में इतना होता है, वायरल में इतना होता है, टाइफॉइड में इतना वीकनेस होता है। कोविड में तो ये कोविड डिसीज़ ही नया था, उसमें तो हमें उसके सिम्टोम्स ही सीखने में साल भर लग गया, ट्रीटमेंट की तो बात दूर है, ट्रीटमेंट तो चलो माशाल्लाह हमारे पास होम्योपैथी है और होम्योपैथी तो किसी की डिसीज़ से नहीं डरती है, वो तो प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट से, यानी पेशेंट का वाइटल फोर्स की लैंग्वेज क्या है
उस पर हमें जाना होता था। तो हमारे यहाँ तो कभी लाके से शादी, कभी हायो सेवन शादी, कभी एकोनाइट आती, तो इस तरीके से पेशेंट ठीक हुए हैं। तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कोविड की वीकनेस को इसलिए नहीं कह सकते कि वायरस डेंजर था, ताकतवर वायरस था और उसकी वीकनेस पूरे सिस्टम पे अटैक करता था, तो वीकनेस तो लाजमी थी, तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं थी। एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग सर जी। सर आर्निका वाला का भी ये रहता है ना कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना इलाज करवाने, ऐसा सेट उसमें भी है ना? उसमें क्या होता है कि आर्निका का जो होता है वो तो रिजेक्ट कर देता है बिल्कुल, यहाँ पे तो मन ही नहीं करता है, फिर मान जाता है, बहुत उसको झंझोड़ने के बाद फिर वो मानता है चलो ठीक है चलो, मतलब उसको खुद को समझ में नहीं आता है, वो खुद को यानी ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है कि जाना है डॉक्टर, बस वो नहीं 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 ऐसा किस तरीके से डल होता है, स्टफीफाइड होता है, या फिर उसका दिल ही नहीं करता है, इसमें कोई वजह नहीं होती है। आर्निका वाले को तो क्या लगता है कि मैं अच्छा हूँ फिर मुझे क्या जरूरत है जाने की, या दूसरी वाला वीकनेस की वजह से नहीं जाना चाहता हुआ, बिकॉज बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रहा है, उसको दम ही नहीं है जाने का, उठ के हिम्मत नहीं। एक वो चाहे वजह कोई भी हो, एक्शन क्या हुआ, एडेप्टेशन क्या है, एसिड सल्फर का क्या कोर क्या आया, सॉरी एसिड सल्फर का कोर क्या आया, वो उसका उस पेशेंट का क्या रहेगा जी, कोर क्या रहेगा उसका, एसिड सल्फर वाले पेशेंट का कोर क्या रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि आप कोर सीखने के लिए ठीक है, और कोर वाले पेशेंट कभी हमारे पास आएंगे भी, इसका जो हरीडनेस है पूरा इस पेशेंट में जरा सा भी नहीं दिखता। मैंने अभी ही जस्ट बताया कि अकॉर्डिंग टू मटेरिया मेडिका जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेन बात है वो हरीडनेस जल्दबाजी, जो इस पेशेंट में जरा सा भी नहीं मिला, 1% एक रत्ती भर इस पेशेंट के इस स्टेज में नहीं, उसके मतलब उसकी लाइफ में हो सकता है कि उसके जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में हो हरीडनेस, जल्दबाजी हो, हेल्दी कंडीशन में वो हरीड हो सकता है, हमने भी पूछा नहीं और हमें ज़रूर भी नहीं लगा पूछना क्योंकि हमारा मेडिसिन आ चुका था, लेकिन इस स्टेज के अंदर वो चीज़ नहीं देखने मिलेगी। तो अगर हम कोर से जाएंगे कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड का तो हरीडनेस तो होना ही चाहिए यार, तो ये पेशेंट में से मिस कर पाते, क्योंकि स्टेजेस बहुत सारे होते हैं, एक पेशेंट एक मेडिसिन का सिर्फ एक स्टेज नहीं रहता है, बहुत सारे स्टेजेस में से पास होती है मेडिसिन, और ये ज़रूरी भी नहीं कि मेडिसिन का हर एक स्टेज हर एक आदमी उसमें से पास हुआ हो, कि चलो भाई ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा स्टेज पार करके 26 स्टेज में और हमारे पास आया है अभी 8 स्टेज, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी स्टेज आ सकता है, कोई भी स्टेज में हम मतलब पेशेंट पकड़ा जा सकता है। तो ये कोर में क्या होता है कि बहुत कम मैंने कई बार बहुत सारे भी हो सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कोर लेके आता है और हमको कोर, जैसे मैंने लाइको वाला बताया तो वो कोर लेके आया हुआ था, तो कोर सीधा माइंड में स्ट्राइक हो गया, ना मुझे मटेरिया मेडिका की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे रेपोटरी की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसा कोर्स के साथ आने वाले पेशेंट सारे के सारे नहीं होते,